रत्न सागरजी महाराज साहब अब हमारे बीच में आ रहे हैं और उनकी भी मधुरमय वाणी को सुनकर के शत्रुंजय महात्म्य को अपने जीवन में हृदयस्थ करके अपने जीवन को धन्य बनाते। आइए वैराग्य रत्न सागर जी महाराज साहब। नमस्कार सबो मंत्र शत्रुंजय समो गिरी वितराग समो देवो न भूतो न भविष्यति। पुण्यशालियों अपने यहां पर आर्ष महर्षियों ने आत्मा को तिराने के लिए अनेक योग बताए हैं जिसके अंतर्गत तीन योग की मुख्यता है ज्ञान योग क्रिया योग और भक्ति योग। मगर ज्ञान योग में जिसकी बुद्धि विशेष चलती हो वो आगे बढ़ सकता है, क्रिया योग में जिसका शरीर उसको साथ देता हो वो आगे बढ़ सकता है, मगर भक्ति योग में बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक अबाल गोपाल सब भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए तो महामहोपाध्याय यशोविधि जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर बात दो पंक्ति के अंतर्गत कही, सार में तन्मया लब्धम श्रुताब्धेर अवगाहनात् भक्तिर भागवतीम पुंसाम परमानंद दायिनी। गुरुदेव क्या कह रहे, मैंने बचपन में दीक्षा ली, गुरुदेव कह रहे मैंने बचपन में दीक्षा ली, बरसों तक मैं गुरुकुल वास में रहा और मैंने आगम रूपी समुद्र के अंदर डुबकी लगाई, मैं गोताखोर बना और मेरे को यह सार प्राप्त हुआ है कि परमात्मा की भक्ति जो है वो भगवान बनाती है, परमात्मा की भक्ति मोक्ष का परम कारण है। भक्ति की महिमा अजब गजब की है। भक्ति में ढाई अक्षर है, भ क और त, ये ढाई अक्षर से भक्ति शब्द बना हुआ है। भ यानी भगवान, क यानी करने की और त यानी ताकत। भगवान करने की ताकत जिन माध्यम में है उस माध्यम का नाम है भक्ति। और इसीलिए कवि ने कहा कि भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्त और भगवान में भेद नहीं, भक्ति इंसान को भगवान बनाती है। परमात्मा की भक्ति इंसान को अवश्य मेव भगवान बनाती है। किसको बनाया? शास्त्र में पूरी हार माला है ऐसे आत्माओं की जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन के केंद्र स्थान में रख करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। देवपाल को याद करो, श्रेणिक महाराजा को याद करो, कृष्ण वासुदेव को याद करो, अरे वो रावण को याद करो। लोग रावण के पुतले जलाते हैं मगर अंदर के रावण को बरकरार जिंदा रखते हैं, एक प्रकार की अज्ञानता है। सच्चा जैनी, अच्छा जैनी और पक्का जैनी ऐसी अज्ञानी वाली चेष्टा करता नहीं है। रावण भी क्वालिटी वाला था, रावण भी एक जबरदस्त प्रभु भक्त था और इसीलिए तो रावण भी परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से तीर्थंकर बनने वाला है आगामी समय के अंदर। दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत अपनी बात यह चल रही है कि परमात्मा की भक्ति कहां नहीं है। अरे जैन शासन में तो परमात्मा की भक्ति बताइए। कहने वालों ने ऐसा भी कहा कि पानी से तस्वीर नहीं बनती है, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती है। आप मेरी बात का यकीन मानो या ना मानो मगर भक्ति के बिना मुक्ति मिलती नहीं है। कहने वालों ने ऐसा भी कहा कि जल के बिना लता फलती नहीं है, जल के बिना लता फलती नहीं है, तेल के बिना लौ जलती नहीं है, तेल के बिना लौ जलती नहीं है। कहना ही नहीं वास्तविकता है, कहना ही नहीं वास्तविकता है। भक्ति के बिना आत्मा को तीनों काल में मुक्ति मिलती नहीं है। और इसलिए अपने यहां तो भक्ति के उदाहरण मैंने बताए मगर दूसरी जगह पे भी वो मीरा दीवानी बन गई थी, वो राधा दीवानी बन गई थी, वो भगत घोरा कुंभार हो गए। अरे महाराष्ट्र के अंदर संत एकनाथ हो गए, संत तुकाराम हो गए, संत नामदेव हो गए, अरे जनाबाई हो गए और मुक्ताबाई हो गई जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और अपनी आत्मा की शुद्धि और मुक्ति करने का सद प्रयास किया। सच्चा जो भक्त होता है वो तो मानता है मैं जो कुछ भी हूं मेरा अस्तित्व मेरे प्रभु को आभारी है। और इसीलिए भक्त ने कहा हमने जो पाया है प्रभु तूने दिया है। रांका परिवार के लिए भी ये दो लाइन फिट बैठ सकती है, हमने जो पाया है प्रभु तूने दिया है और कौन कर सकेगा वो जो तूने किया है। हे परमात्मा तूने जो किया है वैसा कोई कर सकता
नहीं है। इसलिए मैं तो ये भी कहूंगा उनके हृदय की ऐसी भी भावना होगी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे थे मेरा, त्वदीयं तुभ्यं समर्पयामि। हे आदिश्वर दादा, जिन शासन के बगीचे का, जिन शासन के बगीचे का महकता गुलाब है मेरे आदिनाथ दादा, तो वाकई में लाजवाब है। हे आदिनाथ दादा, आपकी कृपा से मेरे को मिला है, हमको मिला है, त्वदीयं तुभ्यं समर्पयामि। और इसीलिए सच्चा भक्त तो कहता है, जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, तुझे देखने की नजर मांगता हूं, मुझे चाहिए बस तेरी बंदे नवाजी। हे प्रभु, मुझे चाहिए बस तेरी बंदे नवाजी, न घर मांगता हूं न जर मांगता हूं। सच्चा जो प्रभु भक्त होता है वो कोई भी भौतिक कामना की इच्छा भक्ति के बदले में करता नहीं है, मगर जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक भक्ति के बदले में संसार के उत्कृष्ट उत्कृष्ट सुख भी उसके चरणों में आके गिरेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट भौतिक सुखों को भक्ति के बदले में टारगेट बनाना नहीं है। पुण्यशाली हो दादावाड़ी के अंतर्गत इस तरह से रांका परिवार के द्वारा पजूषण के बाद एकदम ऑफ सीजन के अंदर, ऑफ सीजन के अंदर जो व्यापारी बहुत जोरदार व्यापार करता है, वास्तव में उस व्यापारी की बुद्धि का लोहा मानना पड़े। ये रांका परिवार और हमारे ओम प्रकाश जी, उनके अंतर में ये बात शायद बैठी हुई है कि पजूषण के बाद थोड़ा यानी अपने मंदी वाड़ा आ जाता है, मंदी का माहौल छा जाता है धर्म के मामले में। नहीं, मंदी में भी मेरे जो साधर्मिक भाई है वो मस्ती का अनुभव करे, मेरे जो साधर्मिक भाई बहन है वो मंदी में भी मस्ती का अनुभव करे, इसलिए कुछ ऐसा आयोजन किया जाए कि उनकी मस्ती बरकरार आगे चलती रहे। और उसी भावना से रांका परिवार के द्वारा ऐसा सुंदर एक जोरदार यानी अपने ये 12 दिन का भाव यात्रा का, शत्रुंजय का यात्रा का आयोजन हुआ है। कहा गया कि शत्रुंजय समो तीर्थ नहीं, ऋषभ समो नहीं देव, और गौतम सरिका गुरु नहीं, बड़ी बड़ी वंदो ते। कहते हैं ताश के खेल के अंदर, ताश के खेल के अंदर जिसके पास तीन इक्के होते हैं, तीन पत्ती की एक गेम होती है, ताश के अंतर्गत तीन पत्ती की एक गेम होती है, उसमें जिसके पास तीन इक्के होते हैं उसको कोई हरा सकता नहीं है। अपन भी सौभाग्यशाली है, अपने को भी पुण्य के योग से, प्रभु की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कर्म सत्ता की मेहरबानी से अपने को भी तीन इक्के जैसी तीन चीज प्राप्त हुई है। अगर वो तीन चीज का बराबर सदुपयोग कर ले, अपन भी अपनी आत्मा के वारे न्यारे कर सकते हैं। और वो तीन चीजें मानव भाव, अपने को मानव का भाव मिला है, दूसरे नंबर में अपने को नमस्कार महामंत्र मिला है, और तीसरे नंबर में अपने को शत्रुंजय महातीर्थ मिला है। अपन यहां से सिमंदर स्वामी के पास महाविदेह क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते मगर महाविदेह के अंतर्गत रहे हुए सिमंदर स्वामी भरत क्षेत्र के लोगों की तारीफ करते और कहते हैं कि वो भरत क्षेत्र के भाग्यशाली जो है वो कितने जोरदार है कि उनको अनंत सिद्धों की भूमि ऐसे ही यानी अपने सिद्धाचल गिरी की स्पर्शना होती है, उनकी वो भाव यात्रा वगैरह या यात्रा वगैरह कर सकते है। बस पुण्यशालियों, आप सब जुड़े हुए हो, समय जा रहा है, हमारे कीर्ति रत्न सागर जी महाराज साहब वर्षी तप के तपस्वी बड़े उत्साही है, बड़े यानी अपने उल्लास वाले है, और अभी तो उनके पावन निश्रा के अंतर्गत ये सुंदर आयोजन हुआ हो रहा है। हम तो गुल टेकड़ी में थे और वहां पर यानी अपने उनके द्वारा समाचार आया, अरे उनका समाचार तो बाद में आया, हमने तो पहले से ही मन बना लिया था कि हम तो दादावाड़ी की सुवास चारों तरफ पुणे में ऐसी फैली हुई है, हम अवश्य मेव दादावाड़ी में करके दादा का दर्शन करेंगे, गिरिराज का दर्शन करेंगे, और जिनकी चेतना सात सात दिन से आदिनाथमय गिरिराजमय बनी हुई है उन भाविक भक्तों के भी दर्शन करके अपनी आंखों को धन्य बनाएंगे। और आज का माहौल देख के वास्तव में बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। बस इसी तरह से परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़कर अपन भी अपनी मुक्ति को कायम करें। राका जी एक स्मृति चिन्ह लाए थे आपके लिए, चलेगा पर एक
जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। कितनी में यात्रा हुई, यात्रा कितनी पूरी हुई, टोटल टोटल 75। इच्छामी खमा समणो वंदियम जानी जय निसि आए मथैण वंदावी। इच्छामी खमा समणो वंदियम जानी जय निसि आए मथैण वंदावी। इच्छामी खमा समणो वंदियम जानी जय निसि आए मथैण वंदावी। लोकोत्तमानं लोकनानं लोकहियानं लोकप्रणं लोकवज्जोग्राणं अवैदयानं चक्षुदयानं मुखदयानं शरणदयानं बोहिदयानं दम्भदयानं दोदेशयानं धनायगानं दमसारयणं धम्मवरचावरं चकवरिणं अपरिहयवरनानं दंसदानं चकुमानं इनानं जावयानं दिनानं तारयानं बुद्धानं बोहियानं बुद्धानं मोगानं सबवनानं दोदेशयानं शिवमेलं रोमणं दमखय मुम्वाबहम प्रणायति सिद्धिगैनामदयं नानं दम्भत्तानं दमोजिनानं जीवयानं या सिद्धा जीव वसंजनागे काले संपय्य वट्टमाण सवेज मेण वंदावी जावंट जय्याय मुटे अयति लोय सवाईम तैमंदे ये संत संताईम इच्छामी कमात मुण वन्य वन्य निस्सी ये वंत वंदावी जावंट के विदाव पर हेर वे महाविदी ही सवेसिम तेसिम प्रवो तिम्यान दंड विरयानम प्रभु जी जाव पाली ताना से रखे मन हर के गणो रे लोल प्रभु जी संग गणेरा आवे के ये गिर बेटवा रे लोल प्रभु जी आव्यो पाली ताना से रखे तड़े टी सोबती रे लोल प्रभु जी गिरिवर चढ़ता पावे के मन हर के गणो रे लो प्रभु जी आव्यो इंगा जनो हड़ो के केड़े हाथ दई जड़ो रे लो हे प्रभु जी आवे राम जपो के सामी मोती बसई रे लो मोती बसई दी से जाग जमाड़ जो वनी जुगति बले रे लो हे प्रभु जी
मन तेरा प्रभु चरणों मा अभिदार
वरदान आप ही दे Oh.
ജാവരിയന്താണ് ഭഗവന്താണ് നമുക്കാണെന്ന് പറയും. താവകായം കാണില്ല മുഴം ഞാൻ ഒപ്പാണം ഓ ശ്രീരാമി ശ്രീ സിദ്ധാചലാദി अनंत लाभिया जिनवर जाने समो सरया निर्धार जे विमल गिरिवर महिमा मोटो सिद्धा चले कामा जी का करे अनंत सिद्धिया एक सौ ने आठ गिरी नाम नमो अंतान इच्छा मी कमा तुम वंदे मांगे स्त्री है स्वामी. तीन यात्रा और बाकी है जल्दी करने का है. जैसे बोलेंगे वैसे हमको उठना है और फास्ट. सिद्धाचल गिरी नमो नमः विमलाचल गिरी नमो नमः शत्रुंजय गिरी नमो नमः वंदन हो अधिनाथने. सिद्धाचल गिरी नमो नमः विमलाचल गिरी नमो नमः शत्रुंजय गिरी नमो नमः वंदन हो गिरिराजने. वंदन हो गिरिराजने वंदन हो अधिनाथने. वंदन हो गिरिराजने वंदन हो अधिनाथने. सिद्धाचल गिरी नमो नमः विमलाचल गिरी नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो गिरिराजने. सिद्धाचल गिरि नमो नमः विमलाचल गिरि नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो गिरिराजने. सिद्धाचल गिरि नमो नमः विमलाचल गिरि नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो गिरिराजने. सिद्धाचल गिरि नमो नमः विमलाचल गिरि नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो अधिनाथने. सिद्धाचल गिरि नमो नमः विमलाचल गिरि नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो गिरिराजने. जय गिरिराज 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 जय गिरिराज
गिरिराज जय 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 गिरिराज आदिनाथाय नमः ॐ अरं श्री आदिनाथाय नमः ॐ श्री आदिनाथाय नमः ॐ अरं 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 श्री आदिनाथाय नमः ॐ ह्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः अरम श्री आदिनाथाय नमः ॐ ह्रीं अरं 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 श्रीं आदिनाथाय नमः ॐ ह्रीं अरं श्रीं आदिनाथाय नमः ॐ ह्रीं अरं श्रीं आदिनाथाय नमः पांच स्वस्तिक निकालेंगे, पांच स्वस्तिक और दो यात्रा बाकी है, जल्दी कीजिए, एक बज गया है। चलिए, ये सिद्धा चल रहा राजा थे तो विमला चल रहा राजा हो, हे मरुदेवी राना हाड़ का नाल आदिश्वर अर्ज सुनो, मरुदेवी राना हाड़ का लाल आदिश्वर अर्ज सुनो, अर्ज सुनो हो दादा अर्ज सुनो, अर्ज सुनो हो दादा अर्ज सुनो, एक बार मुखड़ो बताओ दीनानाथ जी थारी मोहिनी, थारी मोहिनी मूरत लग प्यारी आदिश्वर अर्ज सुनो, मोहिनी मूरत लग प्यार आदिश्वर अर्ज सुनो, बाहुबली ने तारा दादा भरत जी ने तारा हो, बाहुबली ने तारा दादा भरत जी ने तारा, मारी नावलड़ी मारी नावलड़ी मारी नावलड़ी लगा दो पार आदिश्वर अर्ज सुनो, मारी नावलड़ी लगा दो पार आदिश्वर अर्ज सुनो, आदिश्वर
सारे चढ़ने आयो हो होवे थारे चढ़ने नहीं भूलो ला नहीं भूलो ला तो रहो उपकार आदेश पर अरे सुनो नहीं भूलो ला तो रहो उपकार आदेश पर अरे सुनो एक बार मुखड़ो बताओ दीनानाथ जी एक बार मुखड़ो बताओ दीनानाथ जी थारी मोहिनी थारी मोहिनी मुरत लग प्यार आदेश पर अर्ज सुनो थारी मोहिनी मुरत लग प्यार आदेश पर अर्ज सुनो।